अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज के इस व्लॉग में हम इस वक्त आए बारबेक्यू करने अल शोका डैम, जो कि दुबई से तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट के रास्ते पर। तो अभी हम शोका डैम आए बारबेक्यू करने के लिए। यहाँ अच्छी जगह है बारबेक्यू करने के लिए, एडवेंचर का एडवेंचर, और बारबेक्यू पहाड़ के बीच में, और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है आज। वैसे यहाँ का ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। ये है भाई बारबेक्यू का मज़ा, इसी जगह पर आता पहाड़ के बीच में, आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ बीच का मज़ा। I guess I was mesmerized, but deep inside I know that there's a better world, 'cause I'm a believer, I'm a believer, I'm a believer. कोयले जलने में टाइम लगेगा यार, हवा बहुत है ना। अच्छा तो इस वजह से तो यहाँ अपन को आके कोयले जलाने पड़ रहे हैं भाई। पहले हम लोग सामने जला रहे थे कोयले, लेकिन उसके बाद जो ना वहाँ हवा बहुत थी, तो इसलिए जो ना अभी हम यहाँ बीच में दरख्तों के बीच में कोयले जलाने आए, क्योंकि कोयले जलने में टाइम लगे भाई और हवा भी है ना इस वजह से। वैसे तो यूई के अंदर बहुत सारी जगह हैं जहां आप बारबेक्यू कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी कभी ममनू कर देते हैं, तो कभी कुछ मसला हो जाता है, कभी या फिर जगह नहीं मिलती, सही ना। क्योंकि यहां हर जुमेरात को लोग बारबेक्यू करते हैं, हर जुमेरात को लोग यहां के बारबेक्यू करते हैं, बहुत से नाइट बारबेक्यू करते हैं, बहुत से दिन में करते हैं। तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जो हिडन है, छुपी हैं, जो हर किसी को नहीं मालूम। तो उनमें से ये एक जगह है, अल शोका डैम के पास ही ये जगह बनी हुई है, जो बहुत अच्छा स्पॉट है बारबेक्यू का। बस ये कि यहाँ जो ना वाशरूम वगैरह इंतजाम नहीं है, बाकी दोस्त सब हैं, लोग आके कर लेते हैं बारबेक्यू, 2-2.5 घंटे लगाते थे, क्योंकि रात में बहुत से लोग कैम लेके आते हैं, तो कैम लगा के भी अपने यहाँ बारबेक्यू वगैरह कर लेते हैं। पूरे इंतजाम के साथ लोग यहाँ आते हैं, पानी वानी लेके, सब चीज़ें लेके। तो बेहतरीन जगह है बारबेक्यू के लिए भाई, ये हिडन जगह है। अगर आपको, क्योंकि हर जगह आपको स्पेस नहीं मिलता बारबेक्यू के लिए, या आपको वेट करना पड़ता है, टाइम नहीं होता, तो इसलिए। लेकिन ये एक जगह ऐसी है, यहाँ जब भी हम लोग आए ना, तो यहाँ बहुत मज़ा आता है। They will not change me, they will not break me. बहुत मेहनत के बाद फाइनली कोयले जल चुके हैं। Be stronger, 'cause I'm a believer, 'cause I'm a believer, I'm a believer, I'm a believer, I'm a believer, I'm a बारबेक्यू के बाद दूध पत्ती चाय भी तो होनी चाहिए ना, ये चाय जो ना जान डाल देती है भाई इंसान के अंदर। अच्छा यहाँ आपको
जो ना एक बात का खास ख्याल रखना वो ये है कि जब आप यहाँ बारबेक्यू करो ना, जो भी कचरा वगैरह आपको एक थैली के अंदर भर के ले जाना, डस्टबिन में डालना, क्योंकि अगर आप यहाँ कचरा डाल देते हैं और बल्दिया वाला आ गया तो आपको सीधा सीधा फाइन देगा, वार्निंग नहीं देगा, सीधा सीधा फाइन देगा। जैसा कि पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं, बारबेक्यू करने से पहले आपको यहाँ अटेंशन कर दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं अरबी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मंजरदल नकात है, बारबेक्यू साजो सामान के बगैर बारबेक्यू करना मना है, खिलाफ वर्जी करने वाले को जिम्मेदार देवा जाएगा, उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ देखना पड़ती है, क्योंकि हम तो समझते हैं हर जगह इंडिया पाकिस्तान हम लोगों ने बना लिया है। तो यहाँ जो ना आप जब बारबेक्यू कर रहे हैं तो यहाँ से अपना सब सामान कचरा वगैरह उठा के किसी डस्टबिन में डालते हुए जाएँ।